हेलो एवरीवन, सो क्या हाल है। तो आज हम जो है जटकरी जा रहे हैं जहाँ पे लाइट बंद है, और आज ब्लॉग भी काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रहा हूँ। और हमारे साथ हैं सनी भाई और जय साहब, और हमारे मोनू भाई आगे निकल चुके हैं, और हम पीछे से आ रहे हैं। बर्फ़ जो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, गिरी हुई है, तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी हमने पहुंचना है लांगा, और लांगा यहाँ पे कितने किलोमीटर बचा हमारा, कम से कम 2 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है लांगा, लेकिन जहाँ पे किलोमीटर लिखा है वो चीज़ यहाँ पे मिट चुकी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सड़क में पूरी बर्फ़ है, गाड़ी आई नहीं तो गाड़ी हम पीछे ही छोड़ आए, और अभी कम से कम 2 किलोमीटर और आगे जाना है पैदल, बस ऐसी ही बर्फ़ है। बाकी ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पर देखो किसी ने यहाँ पर बाइक भी लगाई है, मतलब कि किसी की बाइक यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन इससे आगे बाइक नहीं ले पाया क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और मानना पड़ेगा यार, बंदे को बड़ी हिम्मत रखी इसने, बाइक वाले ने, तो यहाँ पे बाइक पहुँचा दी। इससे आगे तो लगता है हाँ गाड़ियाँ तो गई हैं, शायद कार भी गई है आगे इस रोड पर, और हिम्मत माननी पड़ेगी यार बंदे की जो यहाँ पर कार लेके आया। और बाइक के टायर भी लगे हुए हैं, तो स्कीड तो बहुत है यार। यहाँ पे गाड़ी आई है एक्चुअली 4x4, जैसे कि थार होगी हमारी, और भी जो 4x4 गाड़ियाँ हैं वही आ सकती हैं यहाँ पे, बाकी तो गाड़ी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। और हम वहाँ से आए, जैसे कि वहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने गाड़ी कहाँ पे लगाई है, हाँ यहाँ पे लगाई ना गाड़ी। तो यहाँ से हम पैदल आए कम से कम 3-4 किलोमीटर घूम के, तो यहाँ पहुँचे अभी तक 2 किलोमीटर हो रहे हैं। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, और ठंड तो बहुत है यार, ठंड इतनी है कि क्या ही बताएं, कम से कम माइनस टेम्परेचर होगा अभी यहाँ पे। और अभी तक अभी 1 किलोमीटर और बाकी बचा है जहाँ पे हमने पहुँचना है, और देखते हैं पहुँच पाएंगे नहीं। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, और वहाँ पर खाने का बंदोबस्त करेंगे, वहाँ पर हैं शॉप वगैरह तो खाने का भी बंदोबस्त वहाँ पर हो जाएगा। बाकी तो व्यू आप देख रहे हो चारों तरफ। तो फाइनली हम जो है लांगा पहुंच चुके हैं, बस ये मोड़ा हमने जो है क्रॉस करना अगला, और धूप भी आने वाली है यहाँ पे पीछे, क्योंकि धूप थी नहीं, अब आगे जो है धूप भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे रास्ते की जो है बर्फ़ भी शायद किसी ने हटा दी है ताकि गाड़ी को ले जा सके। बाकी पीडब्ल्यूडी वालों ने जो है यहाँ पर रास्ता भी साफ़ कर दिया गाड़ियों के लिए। और सामने देखो धूप कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी धूप नहीं है, लेकिन आगे आप हमें जो है धूप भी देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली धूप आ चुकी है, और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि बिल्कुल टॉप में है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ऊपर टावर भी है हमारा, और बस बाइक के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, देखो बुरा हाल है। और धूप में पहुँच चुके हैं, अब जाके चैन आया भाई साहब, बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी पीछे। और बाकी सारे आगे पहुंच चुके हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते तो प्लीज़ ब्लॉग देखा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और बड़े बड़े ब्लॉग्स बनाऊँ। बाकी तभी तो मैं लेट डालता हूँ, आप देखते नहीं हो ब्लॉग तो मुझे फिर मैं मन नहीं करता है, लेकिन आप सपोर्ट करते रहेंगे इस तरह तो मैं बड़े बड़े ब्लॉग्स ज़रूर बनाऊंगा। बाकी जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ।